Hello everyone, welcome to my channel Sky High Info. In today's video, I will be discussing a new cue card, and the cue card is describe a person who helps to protect the environment. आपने किसी एक ऐसे इंसान के बारे में बताना है जिसको आप जानते हो जो प्रोटेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को. Who is that person? वो कौन है इंसान? What does he do? वो क्या करता है? How does this person protect the environment? वो किस तरह के स्टेप्स लेते हैं और वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को. एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन और आप पर्सनली उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं. मूविंग टुवर्ड द सैंपल आंसर, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज द बर्निंग टॉपिक अक्रॉस द ग्लोब. आजकल एनवायरनमेंट को बचाने की मुहिम बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है सारी दुनिया में. And there are numerous volunteers who have been leading from the front in checking the pollution. और इस मुहिम में काफी सारे volunteers जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं environment को बचाने के लिए. One such person about whom I am going to talk right now is Mr. Mandeep Chahal. आज जिस इंसान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उनका नाम मंदीप चहल है. Who is Head of Department of Environmental Science in an Engineering College. जो Environmental Science Department के मुखी हैं एक Engineering College के अंदर. He believes in the theory of cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness एक idiom है. इसका मतलब होता है कि जहाँ पे सफाई ज़्यादा सफाई है वहीं पे भगवान का वास है. तो इस तरह की थ्योरी में वो बिलीव करते हैं. Actually, he has initiated a campaign to wipe any kind of pollution which is existing in and around our city. उन्होंने एक कैंपेन, एक मुहिम शुरू की है जिसमें वो जितना किसी भी टाइप का पोल्यूशन चाहे वो सिटी के अंदर या बाहर है उसको कोशिश करते हैं साफ करवाने की या करने की. मूविंग फर्दर, डिस्पोजिंग द गार्बेज वेस्ट मटीरियल इज हिज मेन एजेंडा. जो इस मुहिम का मेन एजेंडा है, मेन मोटिव है, वो है जितना भी गार्बेज वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाए सही तरीके से. अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज टेकिंग इनिशिएटिव टू पुट कंप्लीट बैन ऑन यूजिंग द प्लास्टिक मटेरियल्स. इसके अलावा इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया है जिसके थ्रू ये कंप्लीट बैन चाहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स के ऊपर, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, कैरी बैग्स, पॉलिथीन्स, which not only causes many physical problems but also leads to various major diseases. In sub plastic materials ki wajah se hamare kudrat ko bahut nuksan pahunch raha hai aur iski wajah se kafi diseases jo hai, kafi bhayankar diseases jo hai wo kya hai janam le rahi hai. He has a team of his staff who visit all the neighbor villages. Inki apni ek team hai jo staff unke sath kaam karta hai, unke sath isme yogdan dal raha hai. जो नियर बाई जितने भी विलेज गांव हैं उनमें जाके वो जाते हैं. एंड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल विद फोल्डेड हैंड टू पुट अ हॉल्ट टू दिस न्यूसेंस प्रॉब्लम्स. जो उन लोगों के सामने हाथ जोड़ के निम्रता से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सब चीज़ों को रोक दिया जाए जिनसे ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है. देर आर सर्टन हिकअप्स विच ही इज फेसिंग लाइक देर आर सम फाइनेंशियल इशूज. कुछ हिकअप्स का मीनिंग है कुछ मुश्किलें आनी. तो किस तरह की उनको मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है? फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, काफ़ी सारी जब आप इस तरह की मुहिमों में जुड़ते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको इनिशिएटिव लेनी पड़ती हैं जिसके लिए फंड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो उन चीज़ों में कभी कभी इनको प्रॉब्लम आ जाती है. आई एम रियली कैप्टिवेटेड बाय हिज पॉजिटिव इनिशिएटिव. मैं काफ़ी प्रभावित हूँ इनके इस पॉजिटिव इनिशिएटिव से जो इन्होंने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है. एंड आई विश हिम longevity. longevity means किसी की लंबी उम्र की दुआ करना. I wish him longevity. Though I cannot contribute financially, but yes, physically and mentally, I support his cause. अब मैं उनको contribute तो नहीं कर सकता financially, लेकिन physically और mentally मैं उनके इस cause को पूरी तरह से support करता हूँ. So friends, that was the end of the cue card. I hope you like this cue card. You have learned many new things in today's cue card. So if you like the cue card, keep following my videos. And those who are new, please subscribe. Keep watching my videos and do not forget to subscribe my channel Sky High Info.
That's all for the day. Thank you.